करते हैं कि आप खैरियत अगर मरदुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौजम अली, मैं तारिक मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है लाइव फ्रॉम दुबई पाक फैन क्राइम ओल्ड आंटी एंगर वर्सेस पाकिस्तान टीम। तो पाकिस्तान श्रीलंका का मैच के बाद हालत क्या हुई, ये फैन जो थे बेचारे देखने गए थे मैच और उनके साथ आते वक्त उनकी फीलिंग कैसी थी, वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं जी, वन टू थ्री। क्या हो सर, क्यों हार गए यार? आखिरी हार हुआ, डिजास्टर हुआ है, मतलब हुआ क्या कुछ तो नहीं बल्लेबाजी के लिए क्या कही आपको लगता है, थोड़ा बल्लेबाजी रिस्पॉन्सिबल होती आज तो हो सकता था। सही थी, इफ्तिखार जो है ना वो उसने मतलब बाबर का जो एक डिक्लाइन देखा है, बाबर को मेरे ख्याल आज उनको छह छह चाहिए था, बाबर को आना चाहिए था वन डाउन और फाखिर को ओपन करना चाहिए, जरूरी था कॉम्बिनेशन। क्या लगता है सर कहां मात खा गए? बाबर से थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, पूरा सीजन रन नहीं आया पूरा, नहीं थैंक यू सो मच। और आजा थोड़ा बात करते हैं यार, बस कीप गोइंग ये दिल से लकीर जा रहा है, क्या खुश है भाई, अब रोने बैठ जाए। क्या लगता है सर मैम काम हाथ खा गए? Where do you think you lose the game? Fielding and batting, you think a little irresponsible? Yeah, both shots by Babar Azam and Fakhar were totally irresponsible. Do you say anything? Babar Azam disappointed? Whatever, next time they will show. They will show. Okay. क्या लगता है भाई? Next time DJ है, Babar से disappointed हो? नहीं, हर बार miracle का इंतजार करते हैं कि हम आराम से खेलते हैं, आपने हर बंदा कोई ना कोई टेस्ट खेलेगा हर बार। इस बार नहीं हो पाया है। नहीं नहीं वो तो खैर, अगर आप उसमें खुश हो तो ठीक है। मतलब ये बड़ी अजीब बात है यार, आप अपनी टीम पे बात करो ना कि पाकिस्तान हार गया, अब ये क्यों बोल रहे हो इंडिया नहीं जीता तो हम खुश है? बड़ी अजीब बात है, पाकिस्तान की बोगला की है। अरे जिंदगी बचानी है इनको, बचाने वन द मैच। क्या लगता है सर डिसअपॉइंटेड? नहीं नहीं डिसअपॉइंटेड नो नो वाओ हैप्पी आंसू क्यों बात कर रहे थे आप? दुख का बंदा का ये बंदा दुखी जा रहा है, ये देख डिसअपॉइंटेड सर, too much ये बंदा दुखी लग रहा था यार, ये बंदा ये भी दुखी है, वो बड़ा अपना बंदा। अरे भाई मैम इधर थोड़ा सा, क्या लगता है फील्डिंग नहीं हुई या बैटिंग थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल? ना बैटिंग ना फील्डिंग, आज तो हम ऐसा लगता था रात को सोए ही नहीं है, सत्यानाश करा के रख दिया। क्या आज भी पिज्जा ही खा रहे थे लोग रात भर? पिज्जा क्या, इन्होंने पिज्जा नहीं है, पता नहीं क्या क्या कुछ खाया पिया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। आज कायदे आजम की बरसी थी, आज कायदे आजम की बरसी थी, मुझे तो पहले टेंशन हो रही थी, फातिया ही करा दिया। चलो भाई क्या लगता है सर डिसअपॉइंटेड? मजा आ गया, चाय बहुत अच्छी थी, चाय बहुत अच्छी थी सर, चाय पीने आए थे आप, इतने इतने दिरहम इतने दिरहम खर्च करके चाय पीने आए थे आप?
मैंने तो कहा है कि मेरा तो दिल करिए भगवान है कि कायदा तो भी आज बरसी है, आज 11 सितंबर है और बरसी का हमने भी स्वादिया कर दिया आज। ये देखिए जी, आंटी बहुत गुस्से में है, आंटी की ज्यादा गर्म लग रही है, मेरे को ऐसा लग रहा क्या बोलेंगे सर, डिसअपॉइंटेड? यस, हम ठीक ठाक जी, बस इतनी खुशी है जी, मतलब इंडिया को हराने आए थे टूर्नामेंट में। क्या कहेंगे सर, डिसअपॉइंटेड? ना ना ना, वो तो कोई बात नहीं, श्रीलंका की जगह होता इंडिया, तब पाकिस्तानियों की हालत देखने वाली थी। तो अगर इंडिया भाई, वो तो उन्हें खुशी इतनी है कि इंडिया से जीते हुए श्रीलंका से हार, खुशी में जा, कोई मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है। अब भाई अफगानी जितनी खुशी मना रहे थे, फोड़े थे ढोल ढमके से लगे हुए थे, पाकिस्तान आ रहा है, इंडिया वाले भी खुशी मना रहे, इंडिया दोनों खुशी मना रहे श्रीलंका के जीते हुए। हम दोनों को पाकिस्तान ने हराया और पाकिस्तान अब वैसे ना अफगानियों का हक नहीं बनता रहा है, बनता है पाकिस्तानियों के साथ लड़ाई जो हुई है। भाई किसी को हर बंदा किसी ना किसी टीम को सपोर्ट जरूर करता है, बाकी ये है कि श्रीलंका के जीतना जरूरी था। और मुझे आज से 6 दिन पहले यकीन माने 6 दिन पहले भविष्यवाणी थी या जो मर्जी था, भाई साहब एक भाई है, हमें रोज कहता था भाई के पाकिस्तान ने ना फाइनल जो है हारना, उसने पहले बता दिया था, सारी मेरे पास मैसेज पड़े हैं, अगर किसी भाई को डाउट हो तो मैं दिखा सकता हूँ। 6 दिन पहले मुझे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, मुझे मैसेज आए थे, सारा इन इन बंदों की मुलाकात हुई है, ये मैच जो है फिक्स है, ये श्रीलंका जीतेगा। अब इसमें पागल हो रही है भाई, फिक्सिंग का पता भी चलता है। अभी शादाब खान जो पाकिस्तान का किसे बोलते हैं अच्छा फील्डर है, वर्ल्ड का भी बोल सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान का वो सबसे बेस्ट फील्डर है। अच्छा, उसने ड्रॉप कर दिया 3 कैच, और जिस बंदे के ड्रॉप कैच है उसने 71 स्कोर किया है, ये बात। तू देख ले जितने मैच भी हुए ना, मैं कहता हूँ सारे ऐसे लगता था जैसे मैच फिक्स, ये मतलब श्रीलंका डिजर्व भी करती है, उन्होंने एक मैच भी नहीं हारा। ये बात है एक तो होता ना बैड लक हो जाता है, हो सकता है भाई साहब अच्छे खेले और अच्छा प्ले किया, श्रीलंका की जो कारकर्दगी देख के भी भविष्यवाणी हो जाती है ना कि ये टीम जो अच्छी खेल रही ये पक्का जीतेगी, ये भी चीज हो सकती है। मैच फिक्सिंग के भी भाई चांसेस होते हैं, जिस तरह अचानक से आउट हो जाना पाकिस्तानी टीम का,
या अचानक से उनके स्कोर पहले ओवरों में स्कोर लगते थे वहां पर नहीं लगे एंड पे आके स्कोर लगे। पिछले मैच श्रीलंका जीती ना उसमें तकरीबन की 5 या 6 विकेट गिरते थे ठीक है ना और स्कोर बहुत अच्छा कर देते थे लेकिन इस मतलब शुरू से 5 विकेट गिर गई 50 से पहले और बाकी जो 12 रन उन्होंने देख लो आखिरी 8 ओवर में 100 रन बना दिया है लेकिन भाई इतना धोया इनको फिर भी अच्छा खेल बहुत अच्छा खेलने अच्छा और वो डिजर्व करते थे जीत गए। लेकिन भाई साहब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैच फिक्सिंग का जो रवाज है क्या ये अच्छा है, लोग इतने पैसे खर्चा करके जाते हैं और अपनी टीमों के साथ उम्मीदें लगा के जाते हैं और आगे पहले से तय हुआ होता है कि ये टीम हारेगी जीतेगी तो ऐसे अगर हो तो क्या मैच देखने का मजा आ जाता है। इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था टफ मैच था ठीक है ना हार जीत हो जाती इसमें तो वन साइडेड मैच हो गया था। हाँ ये पाकिस्तान के हाथ में विकेट सारी थी स्कोर देख लो कुछ भी नहीं था विकेट हाथ में होने के बावजूद स्कोर भी नहीं बनाया। श्रीलंका की विकेट शुरू से गिर रही थी लेकिन उन्होंने ना रन रेट अच्छा खासा लेकर जा रहे तो सही है और जो लेकिन पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा वो मतलब कि इतना ना अपनी टीम से खफा नहीं। हाँ ये बात है वो एक माई थी और ना गुस्सा या वो नहीं दिखाया एक माई नहीं सिर्फ लेकिन श्रीलंका जो है ना पाकिस्तान के बुरे हालात थे ना जब क्रिकेट के लिहाज से तो उन्होंने साथ दिया था पाकिस्तान की श्रीलंका टीम जब इधर आई थी ना पाकिस्तान उसके ऊपर हमला हुआ था उस वजह से पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट या क्रिकेट बंद हो गई थी लेकिन बाद मैच से तक और कोई टीम आने के लिए रजामंदी नहीं थी लेकिन जो है श्रीलंका उन्होंने बोला था हम खेलने जाएंगे इस वजह से ये जो है ना तमाशे बोले ठीक है हम भी जीते हैं वो हमारा छोटा भाई है वो जो है दिवालिया और चक्का है हम दिवालिया के कगार पर हैं। चलो ये अच्छा जो भी जीता कुछ उनके हालात अगर मैच जीतने से अच्छे होते हैं तो भाई कोई बात नहीं अच्छे हो जाए और बाकी भाई साहब ये फिक्सिंग नहीं होनी चाहिए मैच में मेरे हिसाब से बहुत बिल्कुल गलत है और ये बड़े बड़े भाई ताकतवर बंदे हैं जो खरीद लेते हैं प्लेयर हर बॉल और प्लेयरों को तो खरीदते हैं साथ में गवर्नमेंट को भी खरीद लेते हैं कि मनाओ इनको हारने में तो ये चीजें हैं आजकल भाई मुमकिन है और बाकी लोगों की जो फीलिंग होती है अपनी कंट्री की जो आवाम होती है उसकी फीलिंग हर्ट होती है जब भी कोई टीम हारती है और बाकी ये है कि जो टीम अच्छा खेले उसको अप्रिशिएट करना बनता है। श्रीलंका अच्छा खेला भाई जीते और वो पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेले बाकी जो जिस हार्ड किया ना वो भारत बाबर आजम की बैटिंग ने किया है उसने तकरीबन 6 मैच खेला 6 मैचों के अंदर उसका स्कोर तकरीबन 68 के लगभग था। पहले मैच वो अच्छा परफॉर्म कर रहा था टूर्नामेंट से पहले इसकी मिसाल दी जाए कोहली ना बहुत अच्छा खेलता है उसके लेकर वो आउट ऑफ परफॉर्मेंस चला लेकिन इस कप के अंदर आकर उसके सेकंड हाफ में स्कोर है 270-280 के लगभग है। चलो जो पहले वो अच्छा नहीं खेला लेकिन टूर्नामेंट में वो बहुत अच्छा खेल रहा है कोहली वो तो बांग्लादेश के साथ और दूसरा अफगानिस्तान के साथ वो स्कोर मार गया पहले भी अच्छा खेल दिया तो ठीक है वजह से पहले नंबर पर स्कोर है उसके रिजवान का दूसरे नंबर पर कौन चलो ठीक है भाई साहब मिलते हैं वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह।